आज तो पार्किंग भी खाली है। तो जिम का फोर्थ डे, चौथा दिन। कैसे कितना फनी वर्ड है चौथा। ओके, ये शॉर्टकट है लाइक एग्जिट वे से। नॉर्मली तो लोग देते नहीं है, नर्वस नहीं हूँ क्योंकि रात को 2 बजे लिफ्ट लेने से अच्छा ये सेफेस्ट जोन है। वहाँ से और नॉर्मली रोड पे आ जाओ और फिर बैक डोर से ऊपर। ओके, तो कैसे कल प्रॉमिस किया था कि आज के दिन कोई स्टोरी सुनाऊंगा। तो हुआ यूँ कि ईयर 2007-2008 के बीच में मैं और एक फ्रेंड, उसका नाम है अंकुल डोगरा, हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो जिम चलते हैं। तो पॉइंट ऐसा है कि ये डिसाइड करने के पहले मैंने लाइफ में कई बार जिम ज्वाइन किया और कई बार जिम क्विट कर दिया, मतलब जिम जाना बंद कर दिया। यहाँ पे इको होता है। ओके, मेरी लिफ्ट के अंदर आगे की कहानी लेस मास्टर। तो कहानी ऐसे है कि भाई हम दोनों निकले जिम ज्वाइन करने। वो बंदा रहता था दत्तावाड़ी में और मैं रहता था अंडर फैक्ट्री में, और दत्तावाड़ी और अंडर फैक्ट्री के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पे जिम था। तो हमने वाला जिम ज्वाइन किया दोनों के लिए कन्वीनियंट करके। तो हम लोग हर दिन, मतलब घर से केले वगैरह लेके आ रहे थे क्योंकि जिम वाले ने बोला था कि ना स्टार्टिंग में केला खरीद के लाना करके। तो हम लोग निकलते थे जिम के नाम से, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हम लोग मोस्टली एक एक सिगरेट निकाल देते थे। तो होता ऐसा था कि दत्तावाड़ी में वो सिगरेट पी नहीं सकता क्योंकि घर से अलाउड नहीं होगा। ऑनर्स फैक्ट्री के अंदर, मतलब मेरे एरिया के अंदर, मैं सिगरेट नहीं पी सकता क्योंकि मेरे घर पे अलाउड नहीं होगा। तो दत्तावाड़ी और ऑनर्स फैक्ट्री के बीच में जो एक लंबा सा रूट है वहाँ पे एक सीगरेट सा एरिया है, वहाँ पे मैक्सिमम टीनेजर्स जाके सिगरेट पी के छुपा के रखते थे। हमें माजी सगरे भी हमको वहीं पर मिल जाती थी। तो हम लोग हर दिन जाते थे वहाँ पे सिगरेट पीने के लिए। अब 2 महीने हो गए होंगे या 3 महीने हो गए होंगे हम लोग हर दिन जा रहे हैं जिम, जा रहे सिगरेट पी रहे, जिम जा रहे सिगरेट पी रहे। फिर हुआ ऐसा कि जो जिम का ओनर है उसके घर में कोई, मतलब क्या बोलते हैं, उसके घर में कोई तो इश्यू हुआ था। तो उसने 2 महीने के लिए जिम बंद कर दिया। अब हमारा तो हर दिन जाना शुरू था, तो हम लोग हर दिन जाते थे और सिगरेट पीते थे। ऐसे कंसिस्टेंसी चलते चलते जिम छूट गई। तो उसके बाद जिम शुरू हुआ तभी हम लोग गए नहीं, पर सिगरेट चालू रही। इतने साल हो गए, रफली एज 30, 2007 से लेके 2021, इतने साल हो गए मैं आज तक सिगरेट नहीं छोड़ पाया। जिम बहुत बार छोड़ गई। तो इस बार ट्राई करूँगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और मैं हर दिन जिम आऊँ। हर दिन तो नहीं, बीच में एक दिन ब्रेक लेना चाहिए हर वीक में। पर हाँ, सिगरेट क्विट करना मुश्किल है। तो जिस लोगों ने स्टार्ट नहीं किया मत करो स्टार्ट, लेकिन जिन लोगों ने कर दिया प्रॉब्ली स्लोली स्टार्ट होगा या स्लोली स्टॉप कर सकते हो। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कोई बाहर स्मोक करता है मैं कहूँ कहता है यार एक सिगरेट मिल जाए, कश मिल जाए। तो बैक टू द जिम, और ये थी स्टोरी जिम क्विट करने की और स्मोकिंग ना क्विट करने की। होपफुली इन फ्यूचर मैं कर पाऊँ। चलो अभी जिम के अंदर, बाय बाय।